दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं कि डे टू डे प्रैक्टिस में मैं कई बार ये देखता हूँ कि मरीज आकर पूछते हैं कि फला स्किन कंप्लेन है और इस स्किन कंप्लेन में होम्योपैथी दवा लेंगे तो यह कहीं तकलीफ बढ़ तो नहीं जाएगी या ये तकलीफ अग्रवेट तो नहीं हो जाएगी। चूँकि मरीज अपनी जगह पर सही है, मरीज ने पास्ट में कुछ ऐसे अनुभव लिए हैं जिसकी वजह से मरीज होम्योपैथी सिस्टम में आने से डरता है, उसका कारण जो है वो काफ़ी सारे कारण हैं। जैसे कि पुराने समय में कई संस्थाएं हैं जो होम्योपैथी प्रैक्टिस को चलाती थी या चलाती हैं, उन संस्थाओं ने डॉक्टर अपॉइंट किए नहीं, उन्होंने क्वालिफाइड डॉक्टर्स रखना उचित नहीं समझा और उन नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स की वजह से, या यूं कहें कि उन क्वैक्स की वजह से, झोला छाप की वजह से होम्योपैथी काफ़ी हद तक बदनाम हो गई। होम्योपैथी ट्रीटमेंट वो अच्छी तरह से नहीं करते हैं, वो मेडिसिन की जानकारी नहीं रखते, मेडिसिन की पावर सेलेक्शन, पोटेंसी सेलेक्शन की जानकारी नहीं रखते, जिसकी वजह से उनके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट की वजह से कई बार पेशेंट्स में तकलीफें बढ़ जाती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में चला जाता है और इस प्रकार की हरकतों की वजह से पेशेंट होम्योपैथी में आने से कतराता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से कतराता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर सही पावर, सही पोटेंसी का उपयोग सही समय पर किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किया जाए और एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि BHMS मस्ट है उससे ही इलाज लिया जाए, तो आपको स्किन कंप्लेन में इस प्रकार की तकलीफ बढ़ा देने वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, होम्योपैथी में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने दवा लिया और उस दवा की वजह से आपकी चर्म रोग की जो स्थिति है वो खराब हो गई या बहुत ही ज्यादा वो तकलीफ बढ़ गई हो। ऐसा अगर सही सिलेक्शन है तो कभी नहीं होगा। तो प्लीज फ्री रहिए और होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्किन कंप्लेंट्स के लिए दिखाइए, क्योंकि होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है।